भाई यहाँ खड़ी है V1। तो हम आ चुके हैं वर्जन 2 पे आज अपने साथ 91.5 वर्जन 2 है। इसको भी पकड़ती हो भाई? हाँ V1 है भाई। तो भाई यहाँ खड़ी है V1 और ये रही V2। तो आज इसका ओनरशिप रिव्यू करते हैं। तो करो ना भाई। तो भाई ये भाई क्या अरबाज भाई की अरबाज भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो अरबाज भाई मैं आपका रिव्यू लेंगे आज, तो मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछूंगा, जैसे कि इसका कंफर्ट हो गया, माइलेज हो गई, पावर हो गई। कंफर्ट तो अच्छा है इसका। नहीं, मैं एक एक करके सारे पॉइंट पूछूंगा आपसे। रुको जरा, काट दूंगा यार। बस एक एक करके सारे पॉइंट पूछूंगा, की लाइट का थ्रो वगैरह, ठीक है? तो सबसे पहले पूछता हूँ कि आपसे, आपने इससे पहले कौन सी बाइक चलाई है? इससे पहले भाई कोई नहीं चलाई, जो मिली वो चला ली। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मतलब आपने जब खरीदने गए तो, अरे यार बाय, जब आप खरीदने गए तो आपको आपने कौन सी बाइक टेस्ट करी थी चला के, कि या फिर यही पसंद आई देख के, ऐसे कुछ पूछ रहा हूं। थी वो डिस्कंटिन्यू होगी। कौन सी थी? पल्सर 220 यार। अच्छा, फिर KTM 390 और डिस्कंटिन्यू हो गया। तो फिर MT पे नजर थी, MT चला कर देखी, अच्छी लगी। ठीक है, तो भाई आप तो सबसे पहले पूछे तो कोई दिक्कत क्या लगी इस बाइक में, कि जो अच्छा नहीं है इस बाइक का? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस हीटअप की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अभी कितने किलोमीटर हो चुकी है? पहली सर्विस होगी ना अभी? हाँ, दो सर्विस हो चुकी है बस, अब नहीं होगी हीट, ये पहले में होती है। बाकी 4000 चल चुकी है, कंफर्ट अच्छा है गाड़ी का। हाँ, और भी काफी अच्छी है। ऐसा फील होता है जैसे पिलियन बिठा लिया, पावर ड्रॉप हो गई बाइक की? ना, ऐसा तो कुछ फील नहीं होता नहीं V2 में, मेरी वाली में होता है। अगर मैं कुछ बिठा लूँ किसी को तो पावर ड्रॉप हो जाती है ना, इसमें तो ठीक चलती है वैसे ही। ठीक है, और इसके सस्पेंशन कैसे लगते हैं इसमें? V2 में तो भाई थोड़े बढ़िया कर दिए, अपसाइड डाउन कर दिए हैं, V1 के थोड़े स्टिफ हैं। इसके सस्पेंशन कैसे लगते हैं? सस्पेंशन भी इसके बहुत ही कूल है, ये बॉय अच्छे से काम करते हैं। तो मतलब वो झटके झुटके लगते हैं, जैसे अपने वहाँ पे रोड है थोड़ी खराब नहीं लगते? मेरे में बहुत लगते हैं, चला के देखना एक बार, बहुत ज्यादा लगते हैं भाई इसमें वर्जन 1 में। ठीक है, तो लाइट का थ्रो कैसा लगता है भाई इसका? लाइट का रात को ठीक है, डिपर और इसका भाई वर्जन 2 में सब ठीक कर दिया गया, मेरे में साला कुछ भी अच्छा नहीं है। वर्जन 2 है ना, सब ठीक है, सब ठीक कर दिया। क्या कह रहा है, 1000 रुपए ज्यादा ले लिए? 1000 रुपए ज्यादा लेके सब सही कर दिया भाई, मैं देता हूँ, मेरे भी कर दे यार। और भाई पावर कैसी लगी यार? पावर भाई बहुत अच्छी है इसकी, न्यूटन मीटर सब ओके है इसका, अच्छी माइलेज काफी अच्छी है, स्ट्रीट बाइक के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, एक्टिव है काफी ज्यादा। हाँ वो तो है भाई यार, प्यारी तो है देखने में, ट्रेंड में आजकल तो। तो भाई आपको इसमें वाइब्रेशन फील होती है? भाई पहले हुई थी। कहाँ पे, मतलब फुटरेस्ट में या हलवे? तो भाई आपने इसमें कोई मोड कराया अभी तक? अभी तक तो कुछ मोड नहीं कराया मैंने, इसके एक साथ ही मोड कराया। और इसका थोड़ा दुख होता है कि इन्होंने ये हैलोजन दे रखे हैं? एलईडी नहीं दी है। बहुत दुख होता है, 2 लाख रुपए लेके भी हैलोजन दे रखे, एलईडी तो देते कम से कम। और एक और चीज भाई, बंदों ने इसलिए वेट किया MT V2 के लिए कि इसमें डुअल चैनल ABS आ जाएगा, वो भी नहीं दिया। तो ज्यादा ग्रिप अच्छी होती है इसकी, सेफ्टी के लिए सिंगल है। फिर भी कोई दिक्कत लगती है ब्रेकिंग में? सिंगल में भी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे आपको अच्छी कौन सी लगती है, फ्रंट या रियर? मेरे को इसकी सबसे अच्छी फ्रंट लगती है भाई। तो आपको इसके टायर की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? टायर कैसे लगते हैं? वैसे काफी अच्छी ग्रिप है, लीन वगैरह डर लगता है, लीन वगैरह भी लगता है, हो जाती है भाई। ये वाला मैं बता दूँ, ये वाली चीज V1 के साथ नहीं है, उसको मैंने काफी लीन करा है, वो अनस्टेबल नहीं होती ना, मेरे को डर लगता है। ये कभी कभार हो जाती है, या तो मुझे लीन करना नहीं आता होगा नहीं हाँ शुरू में डर भी लगता है भाई, क्या वो राइडर पे भी डिपेंड करता है यार बाकी। बिल्कुल ठीक है भाई, तो हम आ चुके हैं वर्जन 2 पे, तो राइड करके देखते हैं। मेरा तो वर्जन 1 है, वर्जन 2 देखते कैसा है भाई। ये हैंडल बार थोड़ा चेंज है इसका, एक गियर में है, हाँ हैंडल बार थोड़ा चेंज है, तो मेरे को अजीब लग रहा है चलाने में, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है भाई, हार्ले पे बैठ गया ऐसा लग रहा है। वो तो कितने प्यार से शिफ्ट हो रहा है इसका गियर, मेरे वाले में इतने प्यार से नहीं होता, स्ट्रगल भाई, मुझे ज़्यादा पावर फील हो रही है इसमें। आती है भाई, बहुत ज्यादा स्मूथ है यार तेरी तो, मतलब ये आपको दिखाते हैं व्हीलीज, ये भाई एक्सपर्ट है, इंडिया के नंबर 1 गाइस। अभी ऊंची उठेगी देखो, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं।
करो गाइस, वो पैंच स्टैंड चक्के। चलो गाइस क्यों कह रहा हूँ मैं, चलना तो मैंने है। अच्छा ओए आइंस्टाइन आ गया, ठीक है समझ गया। गाइस आज आगे हम ऑफ रोड करने, हमारा ऑफ रोड वो छपरी का रह गए यार, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। आजा इन्हें देखते हैं आप, इन्हें मैं बोलूंगा ना ऊपर चलते हैं, देखो कैसे रोएगा दीक्षु भाई। ग्राउंड क्लीयरेंस नहीं है। ओए दीक्षु ऊपर चलते हैं, क्यों क्या हुआ ये भाई, डरता है इसको। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। जब बेइज्जती है वो भाई ये भी नहीं जा रहे, देखो डरते हैं यार गाइस, इन जिगरा नहीं है इनके अंदर, कोई आता नहीं है यार, भर कोई एक्सपर्ट थोड़ी होता है सर, कोई एक्सपर्ट नहीं होता। नौ सीखिए भी नहीं है भाई, ये नौ सीखिए भी कुछ सीखिए होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं सीखिए। कोई सेंस है इस बात की? गिर गई ना, गिर गई तो पैर लगा लियो भाई, ऐसे नहीं गिरेगी तो पता है, पता मेरा। कितनी भी गिर जाए दीक्षु से ज्यादा तो नहीं गिरेगी यार, यहीं रोक देते हैं, मोड़ने दिक्कत हो जाएगी।